नमस्कार, खबर समीक्षागत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जबलपुर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण यादव ने प्रेस वार्ता की, जिसमें भाजपा सरकार को कई मुद्दों पर निशाना साधा। वहीं अरुण यादव ने कहा कि सपना कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी देख रही है। आगे उन्होंने कहा कि यह तो साल 2018 में ही जनता ने जवाब दे दिया था कि उनकी पसंद कौन है। अरुण यादव ने कहा कि कुछ हमारे ही लोग थे जिन्होंने सरकार को चोरी करके दूसरों के हाथों में दे दिया। अरुण यादव ने मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश महिला सुरक्षा के मामले में देश में पहला राज्य है। यही नहीं, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए युवा परेशान है। यादव ने कहा कि प्रदेश के किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं हुई है। वहीं कमलनाथ सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि हमारी 18 महीने की सरकार में हमने 24 लाख किसानों का कर्ज माफ कर 12,000 करोड़ रुपए दिए हैं। समूचा प्रदेश की जनता अपने आप को भंगी महसूस कर रही है और अभी दो दिन पहले मेरे बड़ी ताजुब मुझे हुआ जब मैंने ये सुना कि माननीय मुख्यमंत्री जी रीवा में कह रहे थे कि किसानों की आय दुगुनी हो गई। सफेद झूठ, और ये झूठ हर चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के बारे में तो आप सबको बताइए, मुझे उनके बारे में आपको चर्चा करने की आवश्यकता है। सफेद झूठ बोलकर पुनः इस प्रदेश के हमारे किसान भाइयों को गुमराह करने का काम किया गया। हम तो आपसे के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से पूछना चाहते कि कौन सी ऐसी योजना आपने बनाई वो स्पष्ट करें जनता के सामने, जिससे हमारे मध्यप्रदेश के देश के किसानों की आय दुगनी हो गई हो। क्या सिस्टम आपने लागू किया? एमएसपी बढ़ा हो तो बताइए, गेहूं का भाव बढ़ा हो तो बताइए, कपास सोयाबीन का भाव बढ़ा हो तो बताइए। कौन सा आपका फार्मूला है जो जिसके बारे में आप सार्वजनिक तौर पर ये बात कह रहे हैं जिससे किसान की आय दुगनी? हम सब जानते हैं एक सफेद झूठ चुनाव के पहले सिर्फ शिवराज सिंह चौहान बोल रहे, क्योंकि 2023 का चुनाव होना है 5 महीने बाद। अब उनको भाई की भी याद आ रही, बहन की भी उनको याद आती है, लाडली लक्ष्मी की भी याद आती है, किसान की भी याद आती है। कुल मिलाकर इस प्रदेश की जनता को एक बार पुनः गुमराह करने का काम ये सरकार करने जा रही है। मुझे अभी तरुण भाई और विनय भाई सज्जय भाई बता रहे थे कि इस शहर का जो बजट विकास के लिए स्वीकृत किया गया था उस बजट पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि यहाँ के मेयर कांग्रेस पार्टी के, यहाँ के 3 विधायक 4 विधायक कांग्रेस पार्टी के। इसलिए जो विकास जिस जनता ने हमको चुना है और जो विकास का पैसा अपने अपने क्षेत्र में विधायक खर्च करना चाहते तो स्वीकृत है, जो नगर निगम का पैसा है वो पैसा भी आज हमारे हमारी यहाँ की सत्ता में हासिल हमारे मेयर और हमारे विधायक होते हैं। ये स्पष्ट करता है कि पूरी सरकार में बहुमत है। आपको अधिक होगा कि हमने सारा में कहा था, पुनः हम कह रहे हैं आपके बात, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है माननीय कमलनाथ जी त्रिवेदी जी और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने कि हम एक बार फिर से जो 2018 किसानों की कर्ज माफी की बात हमने की थी, और मुझे खुशी है आपके सामने बताते हुए कि हमने 2018 में जब तरुण भानोत जी वित्त मंत्री हुआ करते थे उस समय पर 14,000 करोड़ पहले किस्त के माध्यम से इस मध्य प्रदेश के 24 लाख किसानों का कर्ज माफी करने का काम मेरी और हमारी सरकार ने किया। उसी कर्ज माफी को पुनः शुरू करने के लिए हम प्रतिबद्ध जो वापस शुरू करेंगे। हमने स्पष्ट कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हमारी बहनों को 1,500 रुपया मान लिए उनका मासिक खर्च के लिए हमारी सरकार देने वाली। गैस जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक परिवार के लिए, जबकि बहना गृहिणी के लिए, उनको गैस सिलेंडर 500 रुपए में हम पुनः प्रदेश की महिला वाली बहनों को देंगे। ये स्पष्ट हमने कहा। पुरानी पेंशन जो बड़ा मुद्दा आज पूरे प्रदेश और देश में चल रहा है उसको लेकर हमने स्पष्ट कहा है कि हम पुरानी पेंशन पुनः लागू करेंगे। हमने ये भी स्पष्ट कहा है
कि जितने हमारे कर्मचारी आंदोलित हैं, आपको याद होगा कि हमने 18 में कह दिया था कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, आशा कार्यकर्ताओं को, स्वास्थ्य कर्मियों को, सचिव जो हमारे ग्राम पंचायत के हैं, इनको सबका इनका रेगुलर रेस करने का काम जो हमने एक संकल्प लिया था उसको भी हम 2023 में सत्ता में आने के बाद करेंगे। ये कुछ मुद्दे थे जो मैं आपके सामने आज शेयर करना चाहता था। मैं हमारे एक विधायक साथियां बैठे हैं। जबलपुर से खबर समय जगत के लिए पंकज जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल।